हिंदुइज्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है, जो कि सत्य, धर्म तथा पवित्रता के सिद्धांत पर आधारित है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु अवतार यदुनंदन श्री कृष्ण जी का विशेष स्थान है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं आज विश्व विख्यात हैं और इन्हीं श्री कृष्ण जी की लीला स्थली तथा कर्म स्थली वृंदावन मथुरा में विश्व का सबसे भव्य मंदिर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इस मंदिर की लंबाई लगभग 213 मीटर होगी, मतलब यह 70 फ्लोर के बराबर होगा। यह मंदिर दुनिया की सबसे लंबी रिलीजियस बिल्डिंग होगी। अनुमान के हिसाब से इसकी टोटल कॉस्ट लगभग 300 करोड़ रुपए यानी कि 45 मिलियन डॉलर होगी, जो कि दुनिया का सबसे महंगा रिलीजियस प्रोजेक्ट होगा। मंदिर का निर्माण इस्कॉन बेंगलुरु यानी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस बेंगलुरु के द्वारा करवाया जा रहा है। इस मंदिर का नाम वृंदावन चंद्रोदय मंदिर रखा गया है। यह मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में वृंदावन स्थान पर लगभग 62 एकड़ एरिया में फैला होगा। इस प्रोजेक्ट का आइडिया इस्कॉन संस्था के फाउंडर श्रीला प्रभुपद जी के द्वारा अपने वेस्टर्न शिष्यों को संबोधित करते समय दिया गया था। उन्होंने अपने वेस्टर्न शिष्यों से कहा कि जैसे आप अपने देशों में लंबे लंबी बिल्डिंग्स व स्काई स्क्रैपर्स बनाते हैं, उसी तरह आप अपने इस प्रवृत्ति का यूज करके भारत में भी बिल्डिंग्स व स्काई स्क्रैपर बना सकते हैं, पर इस बार आपको यह कार्य अपने मटेरियल गेन के लिए ना करके बल्कि प्रभु श्री कृष्ण के लिए करना होगा। इसी विजन के साथ इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू हुआ। साल 2014 में उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव ने इस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन किया तथा साल 2016 में भारत के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी ने इसकी फाउंडेशन नींव रखी। दोस्तों, मंदिर का कार्य तेजी से प्रगति पर है तथा साल 2024 तक यह टोटली बनकर तैयार हो जाएगा। इस मंदिर में 12 एकड़ एरिया में हेलीपैड तथा वाहनों की पार्किंग के लिए अलॉट किए जाएंगे। मंदिर के परिवेश में ही भक्त व दर्शकों के लिए कैंटीन की व्यवस्था की जाएगी, जहां पर भक्त व दर्शकगण जलपान कर सकेंगे। मंदिर के अंदर ही राधा कृष्ण रिक्रिएशनल पार्क का निर्माण किया जाएगा, जो कि भक्तों व दर्शकों के एम्यूजमेंट के लिए होगा। इसके साथ मंदिर में कृष्णा हेरिटेज म्यूजियम की स्थापना भी की जाएगी, जहां पर भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हिस्टोरिकल तथा ट्रेडिशनल एक्वायरिंग का शोकेस किया जाएगा। इस चंद्रोदय मंदिर में सबसे ऊपरी छत पर एक टेलीस्कोप भी रखा जाएगा, जिससे आप पूरा वृंदावन भी देख सकेंगे। इसके साथ वृंदावन चंद्रोदय मंदिर का एक थीम पार्क भी इसी एरिया में क्रिएट किया जाएगा। मंदिर में कैप्सूल एलिवेटर्स होंगे, जो कि भक्तगणों को मंदिर के सबसे ऊपरी भाग तक ले जाएंगे। इसके साथ यहां पर एक डायरोमा शो भी क्रिएट किया जाएगा, मतलब एक 3D सीनरी क्रिएट की जाएगी, जिसमें संपूर्ण सौर मंडल तथा ब्रह्मांड का विवरण हमारे शास्त्रों की पद्धति के तहत किया जाएगा। इसके साथ मंदिर प्रांगण में हाउसिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी, जहां पर भक्तजनों के रहने, ठहरने, विश्राम करने व भोजन करने का प्रबंध किया जाएगा। इसके साथ साथ मंदिर परिसर में एक आर्टिफिशियल यमुना नदी को भी जोड़ा जाएगा, जो कि चारों तरफ से वृक्षों के जंगल से घिरी होगी। इस नदी में बोटिंग की फैसिलिटी अवेलेबल होगी तथा इस जंगल में लोगों के टहलने के लिए स्काई वॉक भी बनाया जाएगा। यह मंदिर चारों तरफ से वृक्ष के जंगलों से घिरा होगा तथा मंदिर के टॉप पर एक व्यूइंग टावर होगा, जहां से आप आगरा, यमुना व मथुरा के दृश्यों का आनंद उठा सकेंगे। इसके साथ मंदिर परिसर में एक नाइट सफारी का कंस्ट्रक्शन भी प्रपोज्ड किया गया है। जब यह मंदिर तैयार होगा, यह हिंदुओं की आस्था का प्रमुख स्थल होगा। यह मंदिर हिंदू धर्म के सत्य सनातन होने का प्रतीक होगा। इसके साथ यह मंदिर पूरी दुनिया से टूरिज्म को अट्रैक्ट करेगा तथा हजारों जॉब्स क्रिएट करेगा। कैसा लगा आपको यह वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको मेरा काम और रिसर्च पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। और अगले वीडियो तक मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।